हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का सॉलिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। अगर वीडियो आपके समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। सॉलिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए राउंडर, इसे कंपास भी बोलते हैं, स्केल और पेंसिल, इन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। आज हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन, ड्रॉ प्लान एंड एलिवेशन फॉर अ पिरामिड विद बेस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। हिंदी प्रश्न, आधार 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ऐसे वर्गाकार सूची पिरामिड का अनुविक्षेप प्लान और उदविक्षेप एलिवेशन निकालिए। मराठी प्रश्न, पाया 3 सेंटीमीटर असून उंची 5 सेंटीमीटर आहे, अशा सूची घनाचा अनुविक्षेप प्लान व उदविक्षेप एलिवेशन काढा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो स्टार्ट हमें करना है वो स्क्वायर से करना है, इसलिए यहाँ पर एक बेसलाइन लेना है जिस पर हम स्क्वायर निकालने वाले हैं। स्क्वायर की बेसलाइन हमें 3 सेंटीमीटर लेना है, इसे नाम देना है ए बी 3 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर एक परपेंडिकुलर निकालना है, उसके लिए ए पॉइंट पर मैंने कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखा और यहाँ पर एक हाफ सर्कल बनाया। इस प्रकार से हाफ सर्कल ने ए बी लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है और यहाँ पर क्रॉस किया है, वहाँ पर पॉइंट मैंने क्लियर किए हैं। अब पहले वाले पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर मैंने ए से थोड़ा ज़्यादा कंपास में डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली लेकर ऊपर वाले भाग पर, हिस्से पर एक आर्क बनाया। उसी डिस्टेंस से सेकंड वाले पॉइंट से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाया, दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए, वहाँ पर पॉइंट मिला। उस पॉइंट को और ए पॉइंट को जोड़ना है लाइन से, इस प्रकार से। अब हमें ए बी इतना डिस्टेंस कंपास में लेना है और ये जो ए से निकला हुआ परपेंडिकुलर है वहां पर एक आर्क बनाना है। उस आर्क ने परपेंडिकुलर को जहां पर क्रॉस किया है उसे पॉइंट लेना है और उसे नाम देना है डी। अब कंपास में, राउंडर में डिस्टेंस ए बी इतना है, वही डिस्टेंस से डी पॉइंट से राइट साइड को एक आर्क बनाना है, वही डिस्टेंस से बी पॉइंट से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। यहाँ पर दोनों आर्क क्रॉस हुए, पॉइंट मिला है, उसे नाम दिया है सी। ए बी सी डी यहाँ पर स्क्वायर मिला है, उस स्क्वायर को डार्क करना है। जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो खाली स्क्वायर को डार्क करना है, बाकी का जो लाइन है वो वैसे ही रखना है, इस प्रकार से। उसके बाद बी डी को जोड़ना है, बी पॉइंट और डी पॉइंट को जोड़ना है, उसके बाद सी और ए पॉइंट को जोड़ना है, इस प्रकार से। दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस हुए, वहां पर पॉइंट मिला है, उसे नाम देना है ओ। ओ पर मैंने कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखा है और ई डी लाइन इतना कंपास में, राउंडर में डिस्टेंस लिया है, वही डिस्टेंस से सी पॉइंट से सी डी लाइन पर एक आर्क बनाया और
सीबी लाइन पर एक आर्क बनाया, दोनों आर्क लाइन को जहां पर क्रॉस हुए वहां पर पॉइंट क्लियर करना है, उस पॉइंट को और ओ पॉइंट को मैं जोड़ रहा हूं इस प्रकार से, और ओ पॉइंट को और इस पॉइंट को इस प्रकार से जोड़ रहा हूं। इस पॉइंट को नाम देना है यम। अब बच्चों डीसी लाइन को यल लाइन हमें पैरेलल लेना है, इसलिए मैंने कंपास में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया है। वो डिस्टेंस आप अप्रोक्सीमेटली भी ले सकते हो इस प्रकार से। अब ये लाइन थोड़ा ऊपर तक जाएगा, ये दोनों लाइन ने यहां पर क्रॉस किया है, वहां पर पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को ई और एफ नाम देना है। ई और एफ दोनों पॉइंट जोड़ने हैं, जो लाइन निकलेगा वो राइट साइड को ज्यादातर जाएगा, इसे नाम देना है यल। अब हमें यहां पर ई और एफ पॉइंट मिले हैं। अब एफ पॉइंट पर हमें कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर कंपास में सी जितना डिस्टेंस लेके एक आर्क बनाना है, दूसरा आर्क यम से बनाना है, तीसरा आर्क यप टू बी इतना डिस्टेंस लेके बी से निकालना है। यहां पर हमें तीन आर्क मिले हैं, तीनों आर्क ने यल लाइन को यहां पर पी पॉइंट में क्रॉस किया है, यहां पर यस पॉइंट में और यहां पर यू पॉइंट में। जैसे हमने ए पॉइंट पर परपेंडिकुलर निकाला है उसी प्रकार से हमें यस और यहां पर जी पॉइंट में से परपेंडिकुलर निकालने हैं। एक अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस कंपास में लेना है और यहां पर एक हाफ सर्कल बनाना है, उसी प्रकार से जी पॉइंट पर हमें हाफ सर्कल बनाना है इस प्रकार से। इस हाफ सर्कल ने यल लाइन को 0.1, 0.2, 0.1, 0.2 इन पॉइंट को पर क्रॉस किया है। पहले वाले पॉइंट पर मैंने कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखा, जिसे थोड़ा डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कंपास में लेकर ऊपर वाले हिस्से पर आर्क बनाया, उसी डिस्टेंस से सेकंड वाले पॉइंट से आर्क बनाया। यही कृति यहां पर करना है इस प्रकार से। दोनों आर्क एक दूसरे को जहां पर क्रॉस हुए वहां पर पॉइंट क्लियर करना है और उस पॉइंट को और यस पॉइंट को जोड़ना है इस प्रकार से, जी पॉइंट को और मिले हुए पॉइंट को जोड़ना है इस प्रकार से। अब बच्चों यहां पर सूची का पिरामिड का जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में, तो हमें कंपास में 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है, जी पॉइंट पर रख के इस परपेंडिकुलर पर आर्क बनाना है, उसी प्रकार से यस पॉइंट से दूसरा आर्क बनाना है। ये दोनों आर्क जहां पर क्रॉस हुए वहां पर पॉइंट लेना है, इस पॉइंट को नाम देना है आर, इस पॉइंट को नाम देना है एच। अब बच्चों यहां पर एक ट्रायंगल होगा, वो ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ड्रॉ करते समय उसे डार्क करना है। यहां पर एक ट्रायंगल होगा, दोनों ट्रायंगल डार्क करने हैं इस प्रकार से। बच्चों ये हो गया हमारा प्लान फ्रॉम अबाउ, ये हो गया इलेवेशन फ्रंट, फ्रंट साइड से ऐसा दिखेगा, ये इलेवेशन होगा साइड व्यू से। यहां पर लिखना है पिरामिड और यहां पर एक छोटा पिरामिड का फिगर निकालना है, नाम देना उसका, फिगर निकालना आवश्यक है। जो बेस लाइन था
3 सेंटीमीटर दिया था और ये जो हाइट है ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है बच्चों। आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।